नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में क्षीरसागर तालाब से अतिक्रमण हटाने नगर आयुक्त के नेतृत्व में पहुंची टीम। तालाब का किया चिन्हीकरण। रामनगरी अयोध्या में क्षीरसागर तालाब से अतिक्रमण हटाने और इसको अधिक गहरा करने के लिए नगर निगम अयोध्या ने अभियान चलाया है। नगर आयुक्त के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तालाब का चिन्हीकरण किया और जेसीबी के माध्यम से खुदाई प्रारंभ कर दी। क्षीरसागर के अतिक्रमण मुक्त होने के बाद यहां के निवासियों को जल भराव से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं नगर आयुक्त विशाल सिंह के मुताबिक क्षीरसागर तालाब का पौराणिक महत्व है, इसको लेकर पूर्व में भी शिकायतें हुई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। आज नगर निगम के निर्माण विभाग व सैनिटाइजेशन करने वाली टीम मौके पर पहुंची है। जहां तक तालाब दिखाई दे रहा है वहां तक चिन्हीकरण करके जेसीबी से खुदाई की जाएगी। अयोध्या का नीचा स्थान है, आसपास के घरों तक पानी इसी में जाता है। तालाब की 10 फीट तक खुदाई की जा रही है, इससे लोगों का जल भराव से भी निजात मिलेगी। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। इस स्थान को क्षीरसागर तालाब के रूप से जाना जाता है, जो कि पौराणिक तालाब भी है। और अभी आप मौके पर देख सकते हैं कि वर्तमान में भी इसमें लोग मिट्टी भराव और आज का अवैध रूप से इसको भर रहे हैं। पूर्व में भी कई बार इसमें शिकायतें आईं और कार्रवाई का प्रयास किया गया, किंतु कोई एक कंक्लूसिव स्टेप नहीं हो पाया। इसलिए आज हम लोग खुद यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा निर्माण विभाग है, हमारे जो यहाँ के सैनिटेशन के सहयोगी हैं, सभी को बुला करके इस स्थान पर चिन्हीकरण कर लिया गया है। तालाब दिखाई पड़ रहा है और अभी आधे घंटे के अंदर यहाँ पे हम लोग जेसीबी मशीन साथ सब लगा करके इस तालाब की खुदाई करा कर इसका जो पुराना रूप है उसको देंगे और सौंदर्यीकरण के लिए क्षीरसागर तालाब को टेकअप किया जाएगा। ये कार्य अभी शुरू होने जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले समय में जल भराव की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। और ये अयोध्या का सबसे नीचा स्थान है, रामकोट का पानी भी यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहीं आता है, आसपास के घरों का पानी भी यहीं आता है। और अगर इसमें जल भराव कर दिया गया तो लोगों का यहाँ रहना मुश्किल होगा। हमारी सीवर लाइन यहाँ पड़ी हुई है लेकिन वो भी यूजेबल नहीं रह जाती क्योंकि पानी का लेवल सीवर लाइन से ऊपर हो जाता है। तो अब इसको हम लोग जल्दी ही खुदाई करा करके इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, कम से कम 10 फीट गहरा कोई भी स्थान पर करेंगे इसको, ताकि इसमें जल भराव की समस्या यहाँ ना हो और सारा जल यहाँ इकट्ठा हो सके।